नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आए हैं, तो चलिए सुनते हैं राजा तथा उनके सात बेटियों की कहानी। यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की सात बेटियां थीं। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य के प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी सातों बेटियों को बुलाया और अपनी सातों बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की छह बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। राजा की सातवीं बेटी जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ, आपका दिया क्यों खाऊंगी। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। राजा ने अपनी छह बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी सातवीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे के घर कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ी बीनता और काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इसकी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई कि ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचती तथा उसे जो पैसे मिलते उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयाँ और खाने के सामान के साथ साथ दूध भी ले करके आती। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया और उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहाँ नाग के बिल में पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है तथा गरीब है, क्यों न इसकी मदद कर दी जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो, वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाने पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था, वहाँ पर उसने खोदना शुरू कर दिया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसे इतना ज़्यादा सोना मिल गया कि उस धन से उसके एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर भी बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी, तभी उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी छह बहनें भी लगी हुई थी। उसने सबको पहचान लिया। उसका पिता तथा उसकी छह बहनें जब लाइन में लगी थी, तो उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारी इन छह बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से निकाल दिया। अब हम सबकी यह दशा हो गई है। हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सबकी ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था, अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पढ़कर बहुत ही सीखने को मिलता होगा और मिलेगा। दोस्तों, इस धरती पर जब हम जन्म लेते हैं, तो अपने भाग्य को अपने साथ लेकर आते हैं। किसी के भरोसे नहीं रहते, ना किसी भरोसे खाते हैं, ना किसी का भरोसे पालन हमारा होता है। सब परमेश्वर करता है। जो कुछ होता है सब कुछ उसी की इच्छा से होता है। जो कुछ होना होता है उसी ने निर्धारित करता है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। वही जो कुछ होना है वह सब पहले से निर्धारित है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो भाग्य ने
विधाता ने लिखा है, इसलिए हमें कभी भी किसी की बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य के गर्त में ही रहने देना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई कहानी, अच्छी कहानी लेकर के। अगर हमारा वीडियो जरा भी पसंद आया दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर। हमें अपना कर्म बिल्कुल करना चाहिए, कर्म पे ही हर चीज़ नहीं छोड़ देना चाहिए कि जो भाग्य में होगा वही हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। भाग्य और कर्म में दोस्तों कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य के अगले जन्म का निर्धारण कैसे होता है? बच्चे के जन्म के समय उसकी मुट्ठी बंधी क्यों होती है? इसका उत्तर आप जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला हमारा वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय। दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि राजा और सात बेटियों की क्या कहानी है। तो इसको जरूर सुनिएगा और कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा।